हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइवर्जेंस ट्रेडर। आज की वीडियो में हम दीपक फर्टिलाइजर सर का डिटेल्स पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का प्राइस में अभी जो ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है एक मेजर सपोर्ट को, इस ब्रेकडाउन के बाद प्राइस का मूवमेंट क्या हो सकता है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस सेटअप बन सकता है एंड मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू में स्टॉक का जो डाउन साइड है लिमिटेड है, रीजन क्या है आगे हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज उजल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे केमिकल्स का एंड इंडस्ट्री है केमिकल्स का। जैसे कि स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 6311 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 5064 करोड़ का, जो कि पॉजिटिव साइन है। करंट प्राइस चल रहा है 500 एंड इसका बुक वैल्यू है 411। बुक वैल्यू के आसपास करंट प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है 2%। इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है जिसकी वजह से प्रॉफिट से कुछ शेयर इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रहा है। अगर डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.79 मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक का डेट टू इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल कंसीडर कर सकते हैं। इंडस्ट्री का पी है 34.6 और स्टॉक का पी है ओनली 13। अगर इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही सस्ता है। अगर अभी लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे 34%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 46%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न -19%, लास्ट 5 से स्टॉक का प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड हाई प्रोबेबिलिटी की जिस टाइप का प्राइस सेटअप अभी शो कर रहा है उसका डाउनसाइड लिमिटेड है, जो कि आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसका जो पीयर्स का पी जैसे कि SRF हो गया, पीडीलाइट हो गया, गुजरात फ्लोर हो गया, सबका पी देखिए यहाँ पे अबव 40 है, 40, 50, 100, लेकिन देखिए दीपक फर्टिलाइजर का पी यहाँ पे 13 के आसपास है, लो पी में भी अवेलेबल है, जो कि प्राइस को थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। देखिए यहाँ पे जो डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उसका रीजन है कि लास्ट 2 क्वार्टर में देखिए यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा डाउन हुआ है एंड नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ है। बिजनेस में अप डाउन चलता है लेकिन उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना अभी भी अप है, जो कि आगे हम चार्ट में कवर करेंगे। देखिए सेल्स एंड नेट प्रॉफिट का डाउन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है और जिस टाइप का अभी मेजर सपोर्ट के आसपास मल्टी का सपोर्ट के आसपास आ रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसका जो डाउन साइड है लिमिटेड रहेगा अभी के लिए। अगर अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कर रहे हैं 45.5%, जो कि थोड़ा सा लोअर साइड के ऊपर है, लेकिन FI का होल्डिंग यहाँ पे तगड़ा है 13.16% एंड FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। DI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं एंड पब्लिक यहाँ पे शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किए हैं। देखिए पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 38% के आसपास। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन अबव 20% हम वहाँ पे रेड फ्लैग कंसीडर करते हैं। देखिए जो 38% का पब्लिक होल्ड है ना, इसकी वजह से शायद स्टॉक का प्राइस और 2 से 3 मंथ अंडर परफॉर्म कर सकता है टाइम वाइज। प्राइस वाइज उतना अभी गिरेगा नहीं, लेकिन टाइम वाइज यहाँ पे करेक्शन ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर के अंदर यहाँ पे रिटेल शायद उनका पोजिशन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइप का साइकिल ही होता है। देखिए फर्दर प्राइस 20-25% करेक्शन कर सकता है, जो कि नॉर्मल है, लेकिन जो यहाँ पे टाइम वाइज ज्यादा करेक्शन हो सकता है। अगर आपके पास है करंट प्राइस के ऊपर कम से कम सेल मत कीजिएगा। अगर सेल करना था पहले कर सकते थे, लेकिन करंट प्राइस के ऊपर सेल नहीं करना चाहिए एंड कहाँ पे बाय करना है आगे जाकर हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। चलते हैं चार्ट के ऊपर। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है दीपक फर्टिलाइजर्स का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस देखिए आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट किया है एक इन्वर्टेड कॉप एंड हैंडल पैटर्न। ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल, जो कि एक बियरिश पैटर्न है एंड जो कॉप एंड हैंडल पैटर्न का जो सपोर्ट था, नेकलाइन था, उसको प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया है। लेकिन देखिए ब्रेकडाउन करने के बाद भी ना यहाँ पे अभी हम शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्राइस देखिए इमिडिएटली उसका मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास आ जाएगा, जो कि स्टॉक का प्राइस के लिए प्रीवियस था रेजिस्टेंस, जो कि लेवल है नियरली 480 के आसपास। देखिए प्राइस यहाँ पे जो
2017 में पीक बना था नियरली 485 के आसपास इस लेवल के ऊपर। एंड एज पर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस पुल बैक करेगा, वही मेजर रेजिस्टेंस अभी के लिए एक्ट एज ए सपोर्ट। एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहाँ पे मल्टीयर का रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद अभी जो पुल बैक कर रहा है वही लेवल एक्ट एज ए मल्टीयर का सपोर्ट। एंड हाई प्रोबेबल है कि प्राइस यहाँ पे 480 से 400 के बीच में उसका मेजर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि देखिए उसका जो बेस का लोअर बाउंड्री है वो है 350 के आसपास इस लेवल में। इसका कलर मैं कर लेता हूँ अभी के लिए ग्रीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस के लिए जो एक्युमुलेशन जोन बनेगा 480 से 350, इसी जोन के अंदर प्राइस कहाँ पे रुक सकता है। आइदर प्राइस देखिए इसी जोन के अंदर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा 3 से 5 मंथ्स, उसके बाद रिटेल जैसे एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद रिवर्स हो सकता है। देखिए नो डाउट यहाँ पे एक इन्वर्टेड कप और हैंडल पैटर्न कॉन्स्ट्रक्ट किया है प्राइस, जो कि बेयरिश पैटर्न है, लेकिन इसी बेसिस के ऊपर अभी के लिए तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे 480-400 का बीच में बन रहा है, जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस था, अभी के लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा। बाय करने के लिए अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, एक बार रिवर्सल सेटअप बनने दीजिएगा। आइदर प्राइस को यहाँ पे 400 के आसपास आने दीजिएगा, नहीं तो एक बार रिवर्सल सेटअप बनने दीजिएगा, उसके बाद जाकर कुछ फ्रेश एंट्री का सोच सकते हैं। बस अभी के लिए जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री का मौका और भी नीचे मिल सकता है, और भी 15 से 20% डाउनफॉल आ सकता है, उसी मौके ऊपर पैनिक सेलिंग जब आएगा वहां पे इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। तो अभी के लिए होल्ड फॉर फ्रेश बाइंग वेट करना चाहिए थोड़ा सा, और 15 से 20% का फॉल, एंड एक बार 400-350 का जोन में आ जाएगा वहां पे एक बेस्ट जोन बन सकता है। उसके साथ देखिए यहाँ पे प्राइस के लिए और एक भी सपोर्ट बन रहा है। अगर जो यहाँ पे ट्रेन लाइन जा रहा है स्टार्ट हुआ था 2001 से, अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करूंगा तो देखिए 2001 से 2024 23 इयर्स का सपोर्ट जो कि बन रहा है यहाँ पे नियरली 450 के आसपास। तो हाई प्रोबेबिलिटी की जो यहाँ पे 23 इयर्स का सपोर्ट बन रहा है 400, जो कि लेवल में बोल रहा हूँ कि फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी 400 के आसपास बन सकता है, वहां पे हम एंट्री का मौका ले सकते हैं अभी के लिए। और फर्दर 100 पॉइंट का फॉल होने दीजिएगा, उसके बाद फ्रेश एंट्री, नहीं तो जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे 400 के आसपास बन रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अगर अभी मैं आपको राशियों चार्ट देखूंगा, दीपक फर्टिलाइजर वर्सेस निफ्टी 500 का राशियों चार्ट, तो यहाँ पे देखिए राशियों चार्ट में तो ब्रेकडाउन आ गया है नो डाउट। अगर यहाँ पे मैं लिनियर चार्ट यूज करूंगा तो देखिए सपोर्ट को यहाँ पे टेम्परली ब्रेक किया है, अगर रिकवरी करेगा बहुत ही फास्ट करेगा। तो देखिए जो मेजर सपोर्ट 2020 से स्टार्ट हुआ था राशियों चार्ट, उसको यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डाउनफॉल पेंडिंग है, तो शायद यहाँ पे और भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है, एंड 2020 का जो लो को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो राशियों चार्ट में अभी के लिए थोड़ा सा बियरिश साइन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि और भी 15 से 20% प्राइस फॉल हो सकता है, 400 के आसपास प्राइस आने का प्रोबेबिलिटी है। तो इस स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, एंड अगर 400 के आसपास आ जाएगा वहां पे आपको मेंशन कर सकते हैं, पैनिक करने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश बैंक थोड़ा सा नीचे का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर है आपको भी थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा 3 से 5 मंथ का अंडर परफॉर्मेंस का, जो कि यहाँ पे साइन देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा पिक्चर अभी भी इंटैक्ट है स्टॉक का, और बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन में भी अवेलेबल है। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।